सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। नमस्कार, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। विजयदशमी के दिन माता पराजिता का पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्र अपराजिता पूजन के बिना पूरा नहीं होता। विजयदशमी के दिन माँ को विदाई देने से पहले अपराजिता के फूल से उनकी पूजा कर अभय वरदान मांगा जाता है। विजयदशमी का पर्व उत्तर भारत में अश्विनी शुक्ल पक्ष के नवरात्र संपन्न होने के उपरांत मनाया जाता है। शास्त्रों में दशहरे का असली नाम विजयदशमी है, जिसे अपराजिता पूजा भी कहते हैं। अपराजिता देवी सकल सिद्धियों की प्रदात्री साक्षात माता दुर्गा का ही अवतार है। भगवान श्री राम ने माता अपराजिता का पूजन करके ही रावण से युद्ध करने के लिए विजयदशमी को प्रस्थान किया था। महर्षि वेदव्यास ने अपराजिता देवी को आदिकाल की श्रेष्ठ फल देने वाली, देवताओं द्वारा पूजित और त्रिदेव द्वारा नित्य ध्यान में लाई जाने वाली देवी कहा है। मान्यता है कि अपराजिता पूजा करने से कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता, हमेशा जीत हासिल होती है। विजयदशमी के दिन अपराजिता पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि में शाम को तारा उदय होने के समय को विजया काल माना गया है, इसलिए इस तिथि को विजयदशमी कहते हैं। मान्यता है कि इस समय किया गया कार्य सफल होता है, क्योंकि ये स्वमिद्धि मुहूर्त माना जाता है। ज्योतिष कहते हैं कि इस दिन अपराजिता स्रोत का पाठ करना चाहिए। अपराजिता के नीले फूल से अपराजिता पूजन करने से अपराजित रहने का वरदान मिलता है। पूजा के बाद कलाई में बांधी जाती है अपराजिता की लता। अपराजिता पूजन के बाद माएं अपने संतानों की कलाई पर अपराजिता की बेल लपेटकर उनके हमेशा विजय रहने की कामना करती है। इसके बाद कलश की बालू की वेदी पर उगाई जयंती को पुरुष और महिला कान या बालों में धारण करते हैं। इसे सौभाग्य का सूचक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माता पराजिता के पूजन का समय दोपहर के तत्काल बाद है। अंततः दोपहर से संध्या काल तक कभी भी माता पराजिता की पूजा कर यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। यात्रा प्रारंभ करने के समय माता पराजिता की स्तुति करनी चाहिए, जिससे यात्रा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तो बिना अपराजिता पूजा के विजयादशमी पूरी नहीं मानी जाती। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।